एमएलए साहब की सिफारिश के जरिए बातचीत का दौर आगे बढ़ाते हैं। मदन राठौड़ साहब के पास आना चाहूंगा। ब्रेक से पहले एक और बात हो रही थी वोट बैंक को लेकर, कहीं सरकार को लगता है, एक तो जनता दरबार हम देखते हैं वहां भी काम होता है तो सिफारिश का दौर चलता है, आप पार्टी के किसी नेता से लिखवा कर आइए, मंत्री आपकी सीधी सुनवाई करेंगे, तो कुछ ऐसी ही रवायत कहीं पार्टी शुरू करने वाली हो सकता है कि राजेंद्र राठौड़ साहब को या पता नहीं हो या फिर इस पर पार्टी बैकफुट पर आ रही हो, लेकिन उससे पहले बैकफुट जैसा ही हाल चिकित्सा में हो रहा हो। देखिए, बैकफुट जैसी कोई बात नहीं है, न तो ऐसा कोई आदेश जारी हुआ, न इस प्रकार का कोई मतलब कोई आदेश किसी डॉक्टर के पास पहुंचा हो। और सही बात तो यह है कि हमारे सारे मरीज हमारे अपने हैं, कोई बाहर से कोई विदेश से कोई मरीज आता है क्या? जो मरीज है जो इलाज कराने के लिए गया हमारा अपना मरीज है। सुना आपने, जनता को सुना आपने, जनता के पास में गलत सूचना पहुंची गई है। मेडिकल केयर की बात हो रही है। मैं एक बात बताऊं, किसी समाचार पत्र में छप गया उसके आधार पर जनता ने ये सोच लिया कि शायद आपको हमने दिखाया, वो आदेश भी हमने दिखाया। एक आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक ऐसा समन्वयक नियुक्त किया है कि यदि कोई ऐसी चिट्ठी आ जाए, लेकिन उसमें भी ये कतई नहीं है। मैं आपसे एक फिर बताना चाहूंगा अश्विनी जी, आप मेरी बात को जनता तक पहुंचने दीजिए कि उसमें भी, उस पत्र को भी मैंने पूरा पढ़ा है, आपके यही पढ़ा है, उसमें भी ये कहीं नहीं है कि मरीज की गंभीरता को नजरअंदाज कर दो और पहले उस एमएलए की चिट्ठी को वरीयता दो, ऐसा कतई संभव नहीं है। एमएलए की चिट्ठी वाली कोई बात तो है, वो आपके आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कोई एक समन्वयक को ऐसा करके लिखा है, लेकिन हमारे राजस्थान सरकार की तरफ से या कोई बजट में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं थी, जैसे कि वो बजट की चर्चा बता रहे हैं। वो समाचार पत्र मैंने भी पढ़ा है जिसमें भी इस प्रकार का कि बजट में इस प्रकार की घोषणा की गई, कोई बजट में ऐसा संभव नहीं है। सारे राजस्थान के या बाहर के भी मरीज हमारे अपने हैं, चाहे हिंदुस्तान का हो राजस्थान का हो, हमारा अपना मरीज है, उसका इलाज कराना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और डॉक्टर्स जैसे बैठे हैं, मेरे पास में आज डॉक्टर है, बहुत अच्छी खुशी की बात है, वो स्वयं ये बता दे कि हमने कौन सी दवा कम कर दी। क्या ये आज जो अर्चना जी कह रही थी कि अशोक गहलोत के समय में इतनी दवाएं मुफ्त में मिलती थी और आज दवाओं की कमी कर दी है, कटौती कर दी है, वो बता देगा हमने कोई कटौती की है क्या? ऐसी कोई हमने और दवाएं बढ़ाई है, कम नहीं की है? और हम तो ये कर रहे हैं निजी चिकित्सालय, अश्विनी जी मैं एक बात बताना चाहूंगा, हम निजी चिकित्सालय में भी इलाज करवा रहे हैं मरीज का, व्यवस्था बदल रही है। मैं एक बात बताऊं अश्विनी जी, ये बात भी आप जनता तक जाने दीजिए, हमने आपकी बात जा रही, मैं नहीं रोक रहा, मैं जानना चाहता हूं कि सच क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराने के लिए हमने छूट दी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 800 में से आप कह रही 100 दवाएं मिल रही है, डॉक्टर कह रहे नहीं, राजनीति कौन कर रहा है? अश्विनी जी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरा कोई आक्षेप नहीं है, ये तो मीडिया रिपोर्ट्स, जनता की गुहार और इन्हीं के अपने मंत्रियों जनप्रतिनिधियों की बातें। एक मिनट जी, आप ही की बात कह रही हूँ, आप ही के मंत्रियों आप ही के विधायकों ने सदन में घेर करके जो बात कही चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के, उसको ही मैंने यहाँ पर दोबारा उठाया। उसको ऐसा नहीं कि नया उसको गठित करके कूट रचित प्रस्तुत करने का मैं प्रयास कर रही हूँ कि कोई आपको बदनाम करने की हमारी साजिश है, वास्तविकता है। और आपके कार्यकाल में हमने ये भी देखा कि कितनी लापरवाही चिकित्सा विभाग ने बरती कि ऊँटों को लगने वाले इंजेक्शन इंसानों को लगे। अभी जेकेलन हॉस्पिटल की स्थिति देखिए कि वहाँ पर जो वैक्सीन लगा या जो भी इंजेक्शन था उसकी परिस्थिति ऐसी बनी, बच्चा तो इतना गंभीर हुआ कि इसकी जान पर आन पड़ी। तो ये सारी व्यवस्था, और फिर कुछ चिकित्सा मंत्री बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम को ऑपरेट कैसे किया जाए, सवाल उस बात का है, उस व्यवस्था का है। अश्विनी जी, सबसे बड़ी समस्या है कि या तो आप लायक नहीं है इसलिए आप कहते हैं मैं शर्मिंदा हूँ, या फिर आपकी निगरानी का अभाव है, या फिर आप इसको गंभीरता से नहीं लेते। और इस जो परिपत्र आए, इसमें भी एक चीज़ हो सकती है कि जब इनके लोगों ने जाकर, इनके लोगों से मेरा तात्पर्य इन्हीं के जनप्रतिनिधियों से, कि चिकित्सा व्यवस्था सुचारू नहीं, तो हो सकता है एक अंदर खाते सोचा गया ऐसा कल्चर, एक तरफ जन सुनवाई में भी आप बीजेपी नेता की सिफारिश लेकर आइए और अब इलाज के लिए यही मैं स्पष्ट कर रही हूं कि हो सकता है कि अंदर खाते ये एक सहमति बनी हो कि ऐसे पत्र जारी कर दिए जाए ताकि जो जनप्रतिनिधि है उनकी अभिशंसा पर उन्हीं के जो वोट बैंक से संबंधित लोग हैं, जो उनसे रुष्ट हैं, उनको तुष्ट करने का प्रयास हो। वोट बैंक की राजनीति, राठौड़ साहब मैं एक बात बताऊं साहब, ये जो एक चर्चा की जा रही है कि किसी की चिट्ठी लेकर के आओ जन सुनवाई, वोट बैंक की राजनीति हो सकती है? ऐसा नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, जन सुनवाई सामान्य व्यक्ति की होती है, आम नागरिक की होती है, केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो दूसरे लोग आ जाते थे उनके लिए जरूर कहा गया कि आप कार्यकर्ता हो तो चिट्ठी लेकर के तो आओ, कम से कम ये तो हो कि आप कौन हो, ये तो आपकी पहचान होनी चाहिए। केवल बीजेपी कार्यालय के लोड को कम करने के लिए, सही व्यक्ति की पहचान के लिए दिया है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। बाकी जन सुनवाई मुख्यमंत्री से लेकर के आम मंत्री तक, सभी मंत्री आम नागरिक की सुनवाई करते हैं उनके, और हमारे हमें तो पाबंद किया है अपने क्षेत्र में, हम तारीख बाउंड, टाइम बाउंड कि किस तारीख को हम जनता की सुनवाई करेंगे। मैं स्वयं चार चार क्षेत्रों में निर्धारित समय पर पहुंचता हूं, आम नागरिक की सुनवाई करता हूं। आपकी काबिलियत पर मैंने सवाल नहीं किए। पहाड़ सिंह जी जोधपुर से, नमस्कार दिनेश जी, आपके पास भी आऊंगा।
सर नमस्कार जी, बताएं। सर मैं निवेदन ये करना चाह रहा था, राजस्थान की वर्तमान सरकार ओनली और ओनली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बनी है, इनको आम खास से कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ही अभी आपके द्वारा ही मैंने सुना कि बीजेपी कार्यालय के अंदर जन सुनाई होती है, तो इतने बड़े बड़े बंगलों में क्यों बैठे हैं ये? सरकार के जनता के पैसे के जो बंगले हैं और ये ऑफिस बना, सेक्रेटरी बना, किस लिए बना है? इनको इनसे बाहर निकल जाना चाहिए, फिर ये बीजेपी कार्यालय में बैठे हैं, वहीं से सत्ता चलाए ठीक रहेगा, आम जनता से इनको कुछ लेना देना ही नहीं है। व्यवस्था का सवाल है और जनता नाराज है। दिनेश जी नमस्कार, सीकर से। नमस्कार फारिद साहब, बताए सर। फारिद साहब, जैसे जैसे लोकतंत्र आगे बढ़ता गया, वीआईपी कल्चर हावी होता गया, जो जनता के लिए संविधान बनाने वाले लोग हैं वो अपनी सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हमारे सीकर में विभिन्न संगठनों ने मिलकर एक कमेटी बनाई और ये मांग की है कि जितनी भी शिक्षा सुविधाएं हैं, जितनी भी चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, दवाओं पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी प्रकार का टैक्स मशीनों पर नहीं लिया जाना चाहिए और शिक्षा और स्वास्थ्य को समान किया जाना चाहिए और सबसे पहले उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिसको उसकी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अनिता जी, अब आपके पास मैं आना चाहूंगा। चिकित्सा सेवा से जुड़े सामाजिक संस्था से आप जुड़ी हुई हैं, आपसे जानना चाहता हूं। एक मरीज की अपेक्षा का सवाल मैंने पहले भी किया था, लेकिन सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल को लेकर एक नजरिया बदलता है मरीज अक्सर, वो व्यवस्था का सवाल है, वो सिफारिश का सवाल है, कहीं लगता है कि सरकारी सिस्टम में आकर मरीज फंस जाएगा। हालांकि सबसे बड़ा सच ये भी है कि मरीज सरकारी अस्पतालों में ही सबसे ज्यादा पहुंचते हैं। सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल, दोनों ही जगह पे डॉक्टर अपना पूरा देता है, 100% देता है। अगर आप सरकारी अस्पताल की व्यवस्था की बात करें तो एक डॉक्टर है, 8 से 2 उसको काम करना होता है, उसके पास ओपीडी होता है 200 लोगों का। एक ही आम ओपीडी मेडिसिन की मैं बात करती हूँ, उसको सभी को देखना होता है, जिसने भी पर्ची कटाई है उसको देखना होता है, और जो भी लास्ट 2:10 पे भी अगर पर्ची कटाएगा, चाहे डॉक्टर को 4 बज जाए, पर वो ये उसकी ये है अपेक्षा है मरीज की कि मैं डॉक्टर मेरे को देख कर ही उठे, उसके अंदर वैसा रहता है। चिकित्सी अगर अपन हम निजी चिकित्सालय उसकी हॉस्पिटल की बात करें तो उसके अंदर भी डॉक्टर पूरा अपना 100% देता है, क्योंकि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वो जानता है कि अगर वो अच्छा करेगा तभी और मरीज उसके पास आएंगे, अगर वो अच्छा नहीं करेगा तो सीधी सी बात है, ये मानसिकता है, आम आदमी की भी मानसिकता है कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है तो हम इसके पास क्यों पैसे देकर जाए, सीधी सी बात है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर अपना बेस्ट करते हैं, सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टर अपना बेस्ट करते हैं जी। बाकलीवाल साहब, क्या चिकित्सा व्यवस्था के जो मौजूदा हालात है, सरकार को कहीं उस पर भी गौर करना चाहिए? मौजूदा व्यवस्था सही है कोई, लेकिन भीड़, क्योंकि दर्शक बोल रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पेशेंट ज्यादा है और डॉक्टर कम है, इसलिए दिक्कत आती है, समय जो है उपलब्ध समय कम होता है, इसलिए डॉक्टर क्या करें, डॉक्टर तो उतने ही मरीज देख सकते हैं जितने कि एक मरीज को ठीक करने के लिए इलाज चाहिए, कम्प्लीट करना चाहिए, और इसलिए चिकित्सा व्यवस्था तो अच्छी है, चिकित्सा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है क्योंकि हमारी पूरे देश की पॉपुलेशन ही बहुत बढ़ गई, उतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी पहले कम। आपके सवाल को समझूं तो यूँ कहा जाए कि सरकार के व्यवस्था के बीच में इतने सरकारी डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है अस्पतालों में जो कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाए, और ऐसे हालात में व्यवस्था पर या फिर भर्तियों पर गौर करना होगा। हाँ वही बात है कि सबसे पहले डॉक्टर सब चाहते हैं इलाज करें, लेकिन पूरा इलाज करना चाहते हैं, लेकिन उसका ये है कि जितना मरीज आते हैं उनको उसके लिए व्यवस्था सरकार को थोड़ी सी ये, अब सरकार भी व्यवस्था ख़राब नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ डॉक्टर ही कम है, इसमें सरकार भी क्या करेगी, जब डॉक्टर नंबर ऑफ डॉक्टर ही कम है तो व्यवस्था की क्या बात करेगी। व्यवस्था तो अच्छे, रायन सिंह राठौर तो बहुत बढ़िया व्यवस्था रखते हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था का रखकर बहुत, मैंने चिकित्सा मंत्री की काबिलियत पर सवाल भी खड़ा नहीं किया, मैंने उस व्यवस्था को लेकर सवाल किया है जिस व्यवस्था में एक सिफारिश का जिक्र आता है, एक मरीज और आम मरीज के बीच में फर्क करने की बात आती है, जहां सवाल आता है कि एमएलए अगर लिख कर देंगे तो इलाज बेहतर होगा, और उसी व्यवस्था को लेकर आज हमने ये सवाल किया। ब्रेक का कॉल है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज हुए सवाल पर आपकी राय का इंतजार कीजिए, आपकी राय बताएंगे, साथ ही मौजूदा व्यवस्था को लेकर सुधार की बात होगी, क्या हो सकता है रास्ता, के अंदर आम आदमी कहाँ जाएगा, जो राजनीतिक पहचान वाला होगा वो तो एमएलए एमपी से लिखवा लाएगा या हमसे सिफारिश करवा लेगा डॉक्टर को, इससे डॉक्टर खुद दबाव में आ जाएगा, वो एक आम आदमी के लिए क्या इलाज करेगा। आज कोई भी आदमी चिकित्सालय में इलाज कराने जाएगा
आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर, चाहे कोई भी किसी श्रेणी का हो। अब आज ये है कि एक तो विधायक से चिट्ठी लिखवाए, तो विधायक से हर आदमी की अप्रोच विधायक तक नहीं हो सकती, चाहे किसी भी दल का हो।